एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो नए यूट्यूबर्स हैं ना, उनको इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि हमारे वॉच टाइम घट क्यों रहे हैं। देखिए, यूट्यूब का कहना है मोनिटाइजेशन के लिए वो रूल है कि आपके 1,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए और 4,000 घंटे वॉच टाइम होने चाहिए। लेकिन ये जो क्राइटेरिया है वो पिछले 1 साल में होने चाहिए, यानी कि आप जिस दिन से उस डेट को जोड़ रहे हो, जिस दिन से आप मोनिटाइज के लिए अप्लाई कर रहे हो, उस दिन से डायरेक्ट 1 साल पीछे आपको जाना है, यानी कि उस दिन से 365 दिन आपको पीछे जाना है। अब कुछ लोग ये कन्फ्यूजन डाल बैठते हैं अपने दिमाग में कि मान लिया कि अगर मैंने 1 जनवरी 2019 से चैनल को स्टार्ट किया और उन्हें लगता है कि जब 1 जनवरी 2020 आएगा तो इनके तो 1 साल पूरे हो जाएंगे, और इस दौरान अगर उनके 4,000 घंटे वॉच टाइम पूरे नहीं हुए होंगे या 1,000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए होंगे तो उनका चैनल जो है वो मोनिटाइज नहीं किया जाएगा, फिर से उनका वॉच टाइम 0 कर दिया जाएगा। तो ये धारणा आपकी बिल्कुल गलत है। देखिए, यूट्यूब का कहना है कि प्रीवियस 365 दिन आप पीछे जाइए। जी हाँ दोस्तों, 365 दिन आपको पीछे जाना है जहाँ पे आप खड़े हो। देखिए, जैसे कि मान लिया कि अगर आपने 1 जनवरी से स्टार्ट किया और अगले साल का 1 जनवरी आ गया, तो इस बीच में आपका जो जो टाइम ऑफ पीरियड था वो 365 दिन था। लेकिन जब 2 जनवरी आएगा तो पिछले दिन के, यानी कि पिछले साल के 2 जनवरी से गिना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका पूरा का पूरा साल खत्म कर दिया जाएगा, पूरा का पूरा जो महीना का वर्स्ट टाइम था आपका जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल करके 12वें महीने तक का सब खत्म कर दिया जाएगा, नहीं। जैसे जैसे पिछला एक दिन कटता जाएगा अगला दिन आपका जुड़ता जाएगा। जैसे कि मान लिया कि अगर हमने जनवरी 2 को कुछ वीडियोस पब्लिश की तो उस पे जो वॉच टाइम आएगा वो मेरे साथ जुड़ जाएगा, लेकिन पिछले जनवरी को जो आपने वीडियोस पब्लिश किया होगा उसका जो वॉच टाइम है वो काट लिया जाएगा। तो इधर एक आगे बढ़ता जाएगा, अगर 365 दिन से आपका ज़्यादा होता है तो इधर एक स्टेप आगे जाता जाएगा, यानी कि एक दिन आगे जाता जाएगा, और पिछला का जो एक दिन है वो घटता हुआ चला जाता है। तो इसलिए जब हम 1 साल का एनालिटिक्स देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 365 दिन में मेरा वॉच टाइम इतना था और एक दिन आगे बढ़ जाने की वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा वॉच टाइम पिछला वाला कट जाता है, तो हमें लगता है कि शायद मेरा वॉच टाइम घट गया है। तो वहां पे वॉच टाइम घटता है जब आप साल का एनालिटिक्स निकालते हो। आप में से अधिकांश लोग यूट्यूब स्टूडियो ऐप को यूज करते हैं। उस ऐप के अंदर आपको बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती है, जस्ट लाइक आप अपने यूजर्स के कॉमेंट्स का रिप्लाई दे सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि आपके कितने सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, कितने घटे हैं, आप ये भी चेक कर सकते हो कि आपका वॉच टाइम कितना हुआ है। लेकिन अगर आप गौर से देखो ऊपर में, तो वहां पे एक चीज नजर आएगी कि ये जो गणना आपको दिखाई जाती है ये पिछले 28 दिन की दिखाई जाती है, यानी कि ये हमेशा की नहीं दिखाई जाती। वहां पे मैन्युअली सिलेक्टेड होता है 28 दिन। आप चाहो तो वहां से सिलेक्ट कर सकते हो पूरे लाइफ टाइम के लिए, या वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो पिछले कुछ महीनों के लिए। अब कंफ्यूजन कहाँ पे है ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यूट्यूब स्टूडियो के अंदर जो है वो पिछले 28 दिनों का गन्ना दिखा रहा है, तो जैसे ही अगला दिन आएगा तो पिछला एक दिन घट जाएगा। जैसे मान लिया कि आज हम उसके अंदर देख रहे हैं कि मेरे 100 सब्सक्राइबर है और मेरा वर्स्ट टाइम जो है वो 3,000 घंटा है, लेकिन जब मैं कल के डेट में देखने जाता हूँ तो वहाँ पे मैं पाता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स तो ठीक है 100 ही हैं, क्योंकि उसमें से किसी ने अनसब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन जब मैं वॉच टाइम में देखता हूँ तो वहाँ पे पता चलता है कि मेरा 3,000 घंटा के बदले कुछ जो है घट गया है। तो अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सर मेरा जो वॉच टाइम है वो घट गया। नहीं, आपका वॉच टाइम घटा नहीं है, वहाँ पे जो है वो पिछले 28 दिन का दिखा रहा है। जैसे कि कल आपने देखा था कि वो 3,000 घंटे है, लेकिन जब आप आगे गए यानी कि एक दिन आगे गए तो पिछला वाला जो एक दिन है वो घट गया आपका, यानी कि जो एनालिटिक है उसमें उन्होंने वहाँ पे शो नहीं कराया। इस वजह से पिछले एक दिन वाला जो वॉच टाइम होता है वो वहाँ पे हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हम एक दिन आगे बढ़ चुके होते हैं, तो आगे वाला जो वर्स्ट टाइम है वो उसके साथ जुड़ जाता है। हो सकता है कि आपके पिछले 28 दिन जो 28वां दिन रहा होगा, जो अगले बार में घट गया है और नेक्स्ट वाले डे के साथ जुड़ गया है, उसमें क्या होगा कि उस दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि व्यूज़ आए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके वॉच टाइम आए होंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा वॉच टाइम कम होता दिखाई देता है। तो वो पिछले 28 दिन का है। जब हम YouTube स्टूडियो के अंदर वो चीज़ देखते हैं जो 28 दिन का होता है, तो वो 28 दिन के अंदर आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो है कि वो पिछले 28 दिन का दिखाता है। अगर आपका एक दिन बढ़ गया तो एक दिन पीछे से तो घटेगा ना, तब जाके ना पिछला 28 दिन कहलाएगा, यानी कि जिस दिन से आप उस चीज़ को देख रहे हो उस दिन से पीछे 28 दिन चले जाओ। आई होप गाइस कि आपको ये कन्फ्यूजन तो पक्की दूर हो गई होगी कि वॉच टाइम आपका घट जाता है। अगर आप स्टूडियो के अंदर हो, 28 दिन वाला चेक कर रहे हो, तो समझ जाओ कि वॉच टाइम घटा नहीं बल्कि वो पिछले महीने में शिफ्ट हो गया। तो बस हमें ना एक लाइक की जरूरत है और एक शेयर की। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिएगा, तभी जाके हम आपको यूट्यूब से जुड़ा हुआ हर कन्फ्यूजन दूर करते रहेंगे। आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कीजिए, हम उस पर
एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करें।